हमारी आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगी श्रुति के लिए एक फेस पैक जो कि हल्दी का फेस पैक है। तो इसके लिए आपको जिन चीजों की जरूरत है उसके लिए आपको चाहिए हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, शहद 1 चाय का चम्मच और दूध चाहिए आपको 1 चाय का चम्मच। तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है और अपने चेहरे पर अच्छी तरह से इसको अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप अपने चेहरे को किसी भी अच्छे साबुन या फिर फेस वॉश से धोकर उसको अपना ड्राई कर लें और उसके बाद आप ये फेस पैक अपने चेहरे पर लगाएं और इसको 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। इसके बाद नीम गर्म पानी से अपना चेहरा धो लें, इंशाल्लाह पहली ही दफा में ही आपको फर्क महसूस होगा। इस फेस पैक को लगाने से आपकी स्किन नरम और मुलायम हो जाएगी और आपकी स्किन पर जितने भी डार्क स्पॉट्स या जो भी दाग धब्बे थे वो सब खत्म हो जाएंगे। ये फेस पैक आप हफ्ते में 1 बार या 2 दफा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान और सस्ती सी टिप। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और जो फ्रेंड्स मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जैसे ही मेरे चैनल से कोई न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका मैसेज या अलर्ट मिल जाया करेगा। और जो फ्रेंड्स रेगुलरली मेरी वीडियोज देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया। और फ्रेंड्स मैं हर बार कहती हूँ कि अपनी कमेंट्स जरूर दिया करें क्योंकि कमेंट्स के जरिए ही आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का हल जान सकते हैं। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच। आपको हल्दी से रंग गोरा करने का एक नायाब तरीका बताऊंगी। इस टोटके से आपका कलर बहुत सफेद और चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। रंगत गोरी करने के लिए अमूमन अद्वियात और क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन चीजों में वो खसूसियात और फवायद नहीं होते।